चलिए, पनागर पीसी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान भाग 5, जिसमें दिया गया केंद्र सरकार के संबंधित उपबंध इसमें दिए गए हैं। इसमें तो चलिए मैं इसमें बताते चलता हूँ इसमें क्या क्या इसमें प्रावधान मतलब किए गए हैं। तो इसमें अनुच्छेद जो है भाग 5 में दिए गए हैं, लगभग सबसे बड़ा जो भाग यही है इसमें शामिल है, जो पूरे संविधान का सबसे लंबा या मतलब सबसे ज़्यादा अनुच्छेद इसी के अंतर्गत में, लगभग 100 इसी में अंतर्गत में आते हैं। तो इसमें देखिए 4-5 भाग में इसमें बांटा गया है, 5 भाग में। तो सामान्य है 52 से 151 अनुच्छेद है। राष्ट्रपति का है इसका जो 52 से 73 तक आपका इसमें प्रावधान किया गया है। फिर मंत्रिपरिषद का है आपका 74 से 78 है। संसद का 79 से 101, 23 है, 123 है। उच्चतम न्यायालय का इसमें 124 से 147 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। और एक नियंत्रक का महालेखा परीक्षक 148 से 151 तक इसमें दिया गया। तो क्रम वाइज ऐसे चलेगा, पहले ऊपर से चालू होगा, फिर सभी का कंप्लीट कराया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए मैं बताते चलता हूँ इसमें का। पहले लिख देता हूँ जो 52 से आपका 72 तक लिख देता हूँ मैं, 73 तक राष्ट्रपति के बारे में पहले जानेंगे। राष्ट्रपति के बारे में अभी लिख देता हूँ, फिर उसके बाद जो आगे का जो होगा ना इसमें का, जो कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है उसके बारे में बता दूंगा मैं। चलिए इसमें 52 से लेकर लिख देता हूँ इसमें अनुच्छेद 52। इसमें राष्ट्रपति का दिया है, राष्ट्रपति का पद क्या है, राष्ट्रपति का पद इसमें दिया है। 53 में आपका क्या क्या दिया है इसमें का, शक्ति क्या दिया है, शक्ति किसकी, शक्ति राष्ट्रपति की, शक्ति कार्यपालक शक्ति, शक्ति में क्या कार्यपालक शक्ति इसको याद रखिए आप। 54 में अनुच्छेद में दिया है राष्ट्रपति का चुनाव, इसका चुनाव दिया है किसका, राष्ट्रपति का। ये सभी राष्ट्रपति से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। कितने से है आपका, 52 से आपका 73, 52 से कितने है आपका, 73। चलिए अनुच्छेद है इसमें 55, 55 में क्या दिया है आपका, प्रक्रिया चुनाव का, मतलब प्रक्रिया जो चुनाव करने का जो तरीका है, चुनाव का क्या है, चुनाव करने का जो तरीका या क्या बोलते हैं इसको, प्रक्रिया। अनुच्छेद इसमें 56 दिया है, 56 के अंतर्गत क्या शामिल होंगे, इसका कार्यकाल क्या है, इसका कार्यकाल है 56 के तहत। एक आपका 57 है कार्यकाल है, कार्यकाल के बाद आपका पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन या चुनाव, पुनर्चुनाव, चुनाव बोल सकते हैं आप इसमें, के लिए क्या योग्यता, के लिए क्या योग्यता। अब इसमें जो 58 भी दिया है इसमें योग्यता क्या दिया है आपका, देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें योग्यता हो गया, शर्ते शपथ, शपथ आपका कितना है 60 में, 60 में शपथ। 61 में अनुच्छेद 61 में क्या दिया है इसमें का, देखिए इसमें महाभियोग का वर्णन किया गया, महाभियोग का, भियोग का क्या इसमें वर्णन किया गया, महाभियोग का क्या किया, उसकी प्रक्रिया दी गई है, कौन कौन सी प्रक्रिया इसमें संबंधित है इसका के बारे में दिया गया है। 61 हो गया। 62 में आपका दिए, 62 में आपका लगभग दिया गया है जब राष्ट्रपति पद जो रिक्त रहता है उसके पूर्ति करने के लिए चुनाव कराने का जो समय रहता है उसके सम्मिलित है। तो राष्ट्रपति का मान लो जैसे रिक्त है, कोई पद खाली है, तो रिक्ति के दौरान दौरान चुनाव कराने का समय,
कराने का क्या है? समय इसमें सम्मिलित है। 65 भी इसमें देखिए, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। 65 के साथ आपका क्या है? उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का क्या है आपका? राष्ट्रपति के रूप में क्या कार्य करना? उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में क्या है इसमें कार्य करना 65 के तहत। इसको इसी में लिख दिया हूँ क्योंकि उपराष्ट्रपति का अलग रहता है, अलग से है इसमें। 71 एक है, 71 में आपका है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले। चुनाव संबंधित क्या है इसमें मामले? इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैं इसमें बता दे रहा हूँ। अनुच्छेद 72 में क्या दिया है? क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति किसको दिया गया? राष्ट्रपति को 72 के तहत। चौहत्तर में देखिए, मंत्रिपरिषद का द्वारा मंत्रिपरिषद को सलाह का अधिकार, सलाह का क्या इसमें अधिकार दिया गया? जैसे कि मंत्रिपरिषद को दिया गया। मैं इसमें अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी इसमें का जो 73 है सभी इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, सभी का इसमें हमको नहीं पढ़ना है इसमें का। देखिए, ये देखिए अनुच्छेद इसमें 61, 65, ये सभी अनुच्छेद 71, 72 सब इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। तो बार देख लीजिए, फिर मैं इसका बताते चलूंगा मैं इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो बताते चलूंगा, मैं मुंह से बोलते रहूँ हर चीज़ मैं लिखना पॉसिबल नहीं है, है ना? लिखनी चलिए, तो मैं बताता हूँ इसमें का जो अनुच्छेद 53 में जो शक्तियाँ दी गई हैं, 52 का तो पद है, सिर्फ पद, उसमें राष्ट्रपति का, भारत का एक राष्ट्रपति होगा उसको बस दिया गया। जो राष्ट्रपति का पद आपका क्या, जो संवैधानिक प्रमुख होगा, वास्तविक वास्तविक तो नहीं, मतलब संवैधानिक का प्रमुख होता है हमारे भारत का, कौन है? राष्ट्रपति। उसका सिर्फ पद का दिया गया है, वहाँ पद का उल्लेख है, मतलब एक व्यक्ति, मतलब गवर्नर जो पहले ब्रिटिश काल में रहता था वही पद अभी वर्तमान में हम लोग का राष्ट्रपति कहलाता है। पहले जो गवर्नर था उस अभी वर्तमान में वही हमारा क्या राष्ट्रपति कहलाता है। तो चलिए, इसमें अनुच्छेद 53 में जो शक्तियाँ दी गई है उसके बारे में बताऊँ, किसको शक्तियाँ, किसकी शक्तियाँ हैं? राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति को लगभग 6-7 अधिकार इसमें शामिल है। जैसे पहला है इसमें का कार्यकारी शक्तियाँ, क्या है इसमें? चलिए, तो इसमें बता, इसमें मैं लिख दिया हूँ इसमें का, मैं चलिए इसमें जो कार्य, मैं लिख दिया हूँ इसमें का कार्यकारी शक्तियाँ, जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ इसमें, कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। कौन कौन सी शक्तियाँ इसमें शामिल है? पहला तो कार्यकारी शक्तियाँ है ना, एक विधायी शक्ति, विधि जो बनाया जाता है, शक्ति उसकी शक्ति दी गई है, वित्त से रिलेटेड शक्ति है, न्यायिक शक्तियाँ हैं, कूटनीतिक आपका जो सैन्य है, षड्यंत्र के लिए शक्ति है, सैन्य शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ। तो ये सभी अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। एक क्षमादान की भी शक्ति है उसमें, इसमें लिखा नहीं हूँ। चलिए, इसको मैं वो 72 के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत है, बाकी वो 72 के तहत शामिल हो उसमें लिखूंगा मैं। तो राष्ट्रपति द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं जो शक्तियां हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ इसमें। तो कार्यकारी शक्तियां पहला को देखिए, है ना? अब इसमें मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा सीधा, आप लोग सुनिएगा इसमें का, जो हर चीज़ लिख नहीं पाऊंगा इसमें। देखिए, इसमें क्या है कार्यकारी शक्ति है
है क्या चीज़, इसमें देखते हो बताते हैं। तो भारत सरकार के जो सभी जो शासन संबंधी जो कार्य होते हैं, जो शासन संबंधी आप जो देखे होंगे जितने भी कार्य होते हैं, भारत के जितने भी कार्य होंगे, जो योजना बनेगी, कुछ भी होंगे, जो प्रशासन चलेगा, वो सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। इसको याद रखिए, पहला नंबर पे कार्यकारी शक्ति में पहला क्या है, जो भी कार्य होंगे पूरे भारत के अंतर्गत में, मतलब बड़े लेवल पे, केंद्र लेवल पे अगर होगा ना, तो किसके मतलब होगा, वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है। ये तो जान रहे होगे, इसको नहीं जाना हो तो जान लो। और वह नियम बना सकता है ताकि, है ना, उसके नाम पर दिए जाने वाले जो आदेश होते हैं या अनुदेश वैध होते हैं। वो नियम भी बनाता है, जान रहे होगे, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो नियम बना सकता है, और वह किसी को आदेश भी दे सकता है, उसका आदेश वैध होगा तो कार्यकारी शक्तियाँ, उसके कार्यालय से संबंधित उसकी शक्तियाँ हैं तो क्या होंगे, नियम बना सकते हैं, उसकी कार्यकारी शक्तियाँ हैं। वह केंद्र सरकार के लिए भी नियम बना सकती है, इसके लिए नियम बना सकती है केंद्र सरकार के लिए, जो मंत्रियों के सहजता के से विकृत हो सके, जो मंत्रियों से संबंधित जो कार्य रहेंगे और मंदिरों में बांटना उतना रहेगा ना, तो उस कार्य को साधारण कार्य मतलब उनके द्वारा कंप्लीट हो सकते हैं, मतलब केंद्र इसकी कार्यकारी शक्ति में सम्मिलित होंगे। ये अभी देखेंगे, इसमें जो कार्यकारी शक्ति है ये भी शामिल है, कैसे, ये प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होता है ना, और प्रधानमंत्री की जो चयन होता है, और उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जो अन्य मंत्री भी बनते हैं, जो है कृषि मंत्री हो गया, उद्योग मंत्री हो गया, ये सब मंत्री और भी शामिल है। अन्य मंत्री को जो नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति करता है, तो किसकी सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, वे उसकी प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, मतलब प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये सभी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कौन कार्य करते हैं, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, मतलब अन्य मंत्री की नियुक्ति, मंत्रियां जो है प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ये सभी इसके क्या है, कार्यकारी शक्तियां हैं। समझ में आया, नियुक्ति उक्ति से रिलेटेड आपका जितने भी आएंगे आपके कार्यकारी शक्तियां में आएंगे। और जो महान्यायवादी की अगर नियुक्ति करता है, जान रहे होगे आप लोग, अभी मैं इसमें बताऊंगा आगे, महान्यायवादी इसका एक पार्ट तो बनेगा नहीं, मेरे को लग रहा है इसमें काफी थोड़ा समय लगेगा, 2-3 वीडियो इसको बनाना पड़ेगा, मतलब क्योंकि एक पार्ट में इसको कवर कर पाना मुश्किल है। जो महान्यायवादी होता है आपका, महान्यायवादी क्या है, महान्यायवादी कौन है, एक अधिवक्ता है, मतलब एक वकील है, इसका भारत सरकार का, तो अगर कुछ भी अगर मुद्दा आता है, जैसे कोई कंप्लेन मतलब चैलेंज करता है मतलब भारत सरकार को, तो उसके तरफ से महान्यायवादी एक वकील के रूप में, सरकारी वकील के रूप में कार्य करता है। और राष्ट्रपति के इनके वेतन वेतन सब कौन निर्धारित करता है आपका, राष्ट्रपति करता है, इसके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहता है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उसके पद पर कार्य करता है। अभी जैसे कि और बता रहा हूँ, यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बीच जो चुनाव आयुक्त है ना, उन सब के जो नियुक्ति करता है, जैसे नियंत्रक का, सीएजी का, और मुख्य चुनाव आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जो हमारे जो यूपीएससी के उसका अध्यक्ष और उसके सदस्यों को भी नियुक्त करता है, राज्यपाल को भी नियुक्त करता है, वित्त आयोग जो हमारे जो प्रत्येक राज्य में होते वित्त आयोग को अध्यक्ष को मतलब नियुक्त करता है, तथा तो सदस्यों की नियुक्ति भी वही करता है। तो जितने भी नियुक्ति करता है उसके सब क्या है, कार्यकारी शक्तियाँ हैं, क्या है इससे राष्ट्रपति क्या है, कार्यकारी शक्तियाँ हैं। और जो केंद्र के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, है ना, और विधायक, इनको और अधिकार है कि मतलब जो केंद्र से जो प्रशासनिक कार्य या विधायिका के प्रस्ताव से संबंधित कोई जानकारी लेना हो, जैसे कि केंद्र से प्रशासनिक कार्य मतलब प्रशासन कैसा चल रहा है, ऐसे मतलब पूछताछ कर सकता है, और विधायिका के प्रस्ताव से जैसे कि संबंधित इसमें जानकारी मांग सकता है, विधायिका से संबंधित आपका क्या मांग सकता है, जानकारी आपका मांग सकता है प्रधानमंत्री से,
मतलब सिफारिश कर सकता है, मांग कर सकता है कि मतलब हमें प्रशासन कैसा चल रहा है भैया बताइए, बोल के कौन बोलेगा, राष्ट्रपति बोलेगा। ठीक है, ये क्या है, सभी इसके कार्यकारी शक्ति हैं। और जैसे ST SC के पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति कर सकता है ना, ये सभी इसकी कार्यकारी शक्तियाँ में आएंगे। जैसे ST हो गया, ST OBC हो गए, उनके लिए एक आयोग की नियुक्ति करता है, तो सभी भी इसमें शामिल होंगे। अभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जैसे कि किसी मंत्री द्वारा लिया गया कोई फैसला है ना, कोई मंत्री जैसे कोई किसी मंत्री द्वारा लिया गया है, कुछ फैसला लिया गया है ना, और तो भी अगर जो जरूरत हो उसको पड़ता है और राष्ट्रपति को उसका मन है देखने के, तुम्हारे पास प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि उसको सूचना मतलब प्रोवाइड कराया जाए। मतलब कुछ भी अगर जैसे कोई मंत्री है, कोई काम उम करता है ना, तो उसके संबंध में अगर कोई काम या देखना चाहता है, एक ही व्यक्ति कुछ लिस्ट उस्ट भेजा है, विधेयक पेश किया है संसद में, अब बाकी ने अनुमोदन उसको नहीं किया है, तो उसको देखना हो, इच्छा हो तो मंगा सकता है प्रधानमंत्री से बोल। ठीक है, और ये जान रहे हो कि केंद्र शासित जो आपका का प्रशासन सीधे संभालता है, कौन संभालता है, तो प्रशासक को जो जो नियुक्त किया जाता है उनके द्वारा, जो राष्ट्रपति द्वारा जो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं उनके द्वारा ही आपका राष्ट्रीय जो यूनियन टेरिटरी आपका चलाया जाता है। ठीक है, ये था आपका कार्यकारी शक्ति, काफ़ी लंबा बता दिया। अब विधायी शक्तियाँ बताता हूँ, दूसरा नंबर आइए, विधायी शक्तियाँ में क्या क्या, तो विधायी शक्तियाँ में क्या है, वह तो पहले तो संसद की जो बैठक है उसको बुला सकता है, जो संसद की बैठक है ये जान रहे हो आप लोग, जो बैठक जो बैठी बैठती है संसद की, लोकसभा प्लस राज्यसभा, उसको क्या कर सकता है, बैठक को बुला सकता है ना, और कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि स्थगन के अधिकार नहीं है, स्थगन भी कर सकता है और लोकसभा को विघटित भी कर सकता है, इतना शक्ति प्राप्त है उनको। देखो, स्थगित भी कर सकता है और लोकसभा को विघटित भी कर सकता है, उस समय के लिए स्थगित कर सकता है, लंबे समय के लिए नहीं कर सकता, और बैठक बुला सकता है संसद की। राष्ट्रपति को लगता है कि अगर बैठक लेना आवश्यक है तो क्या लोकसभा और राज्यसभा को बैठक के लिए मतलब बुला सकते हैं, लेकिन अगर बुलाया है ना, जो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है, जो संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान तो कर सकता है, जो बैठक बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करेगा, उसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, है ना, ऐसा नहीं है कि अब बुला दिया तो वही करेगा, वो नहीं करता है। ठीक है, और देखे होंगे जो इसके विधायी शक्ति और क्या, जो चुनाव के बाद आप देखे होंगे, प्रत्येक चुनाव नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष हर साल मतलब संसद के जो प्रथम अधिवेशन का क्या करता है, ये संबोधित करता है, प्रथम अधिवेशन जो भी होती है हर साल का, जो नया सत्र एक आएगा वो, और जो चुनाव के बाद 5 साल बाद क्या करेगा, जो नया 5 साल बाद ही नहीं मतलब जब भी अगला चुनाव होगा ना, तो पहला अधिवेशन को क्या करता है, संबोधित कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा भाषण दिया जाता है, तो उसका क्या है, विधायी शक्तियाँ हैं। जैसे कि अब इसमें देखिए, संसद में अगर मान लो, एक और उदाहरण दे रहा हूँ, दूसरा अगला देखिए, जैसे कि संसद में मान लो कोई लंबित किसी कोई विधेयक लंबित है ना, तो संसद को क्या कर सकता है, आदेश भेज सकता है, कौन भेज सकता है, राष्ट्रपति भेज सकता है, कैसे भेज सकते हैं, पत्र लिख के भेज सकते हैं, मुंह जुबानी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए और बताता हूँ इसमें का, जैसे कि अभी मान लो जैसे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है, मान लो कोई लोकसभा है, राज्यसभा का पद मान लो रिक्त है ना, या आप बोल सकते हो लोकसभा किसी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है, ये मतलब ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष मान लो नहीं है ना,
तो कोई सदस्य जो है वहाँ के उपस्थित रहेंगे लोकसभा के, उसको क्या अध्यक्षता उस बैठक की अध्यक्षता सौंप सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम के लिए सौंप देगा, ऐसा नहीं है, मतलब उस बैठक के लिए अध्यक्षता सौंप देगा। उसी प्रकार जैसे कि आप राज्यसभा के सभापति उपसभापति दोनों पद रिक्त हो तो राज्यसभा के कोई सदस्य होंगे ना, किसी भी सदस्य को क्या सदन की अध्यक्षता क्या कर सकता है, सौंप सकता है। सदस्य की जो अध्यक्षता क्या कर सकता है, सौंप सकता है। तो ये आपकी क्या है, विधायी शक्तियाँ, क्या है इसकी विधायी शक्ति। और जैसे साहित्य विज्ञान, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला से क्षेत्र में हो गया, समाज सेवा से संबंधित हो गया। क्या क्या बोला मैं, साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा, चार चार शब्द इस्तेमाल किया मैं। तो जानकार इनमें से जो जानकारी व्यक्ति है, जो नॉलेजेबल है, जो मतलब इनके इन क्षेत्रों में मतलब कोई भी विशेष योगदान दिया गया अपने पूरे जीवन काल में, तो व्यक्तियों में से उसमें 12 सदस्यों को क्या राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को सोचो मनोनीत कर सकता है, ये है इसमें सम्मिलित। ठीक है, अब लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में जाएंगे तो हम लोग लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। जो चुनाव आयोग से जो परामर्श का संसद सदस्यों के क्या कर प्रश्न का प्रश्न पर निर्णय करता है, चुनाव आयोग से जो परामर्श करते हैं, चुनाव आयोग से परामर्श के दौरान लोकसभा में, इसमें बताया था मैं अभी, दो आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को क्या करता है, मनोनीत करता है। और जो आपका राज्यसभा में क्या करता है, दो सदस्यों को क्या भी 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये आपको याद रखना है इसमें का जो मैं बताया इसमें का। अब जब एक कोई विधेयक, मान लो विधेयक संसद में पारित द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, कोई मान लो जो कोई विधेयक है, चलो एक बताता हूँ, मान लीजिए संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत किया करने के लिए, कोई विशेष प्रकार विशेष तरह का मतलब कोई विषय है उसको प्रस्तुत करने के लिए, जैसे कि बेरोजगारी से रोजगार से संबंधित कोई विधेयक लाया गया है, तो राष्ट्रपति सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। उसमें कोई विशेष तथ्य रहेगा, कोई धन से रिलेटेड रहेगा, तो उसमें राष्ट्रपति की आवश्यकता है, मतलब उसको परमिशन मतलब लिया जाए, ये है। जैसे कि अब जैसे बड़े लेवल में, जैसे राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य के निर्माण संबंधी कोई प्रावधान करना है, तो विधेयक विशेष अधिकार के लिए मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश पर और आज्ञा भी आवश्यक है, दोनों आवश्यक है ना, आज्ञा भी इसकी आवश्यक जरूरी है। अब जो बता रहा था मैं, अगला देखते हैं, है ना, अगला। और आप देख लीजिए इसमें, मैं हर चीज़ को लिख नहीं सकता इसलिए मुँह जुबानी बता रहा हूँ। आप मान लो जैसे कोई एक विधेयक लाया संसद द्वारा, है ना, पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति को अधिकार है, वो क्या कर सकता है, या तो पहले वो स्वीकृति दे देगा, साइन कर देगा दस्तावेज में, या फिर विधेयक को क्या करेगा, वो स्वीकृति मतलब नहीं देगा, सुरक्षित रखता है मतलब नहीं देता है। या तो विधेयक को क्या करेगा, संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। क्या करेगा, संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो। और धन विधेयक रहेगा ना, कोई धन से संबंधित वित्त से संबंधित कोई विधेयक रहेगा, तो उसको वापिस भेजने का अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति को वापिस नहीं भेज सकता। तो उसी प्रकार जैसे राज्य विधायिका भी द्वारा पारित किसी विधेयक को अगर राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए छोड़ता है, जैसे कि आप विधायिका में जाओगे विधानसभा में, जो राज्य का किसी भी हमारे जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में, तो विधेयक को आप राज्यसभा में जहाँ राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार हेतु उसको क्या सुरक्षित रखता है, तो क्या हो इसमें सुरक्षित रखता है, तो विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है, अथवा अगला अ के तहत स्वीकृति देगा, ब के तहत आपको क्या देगा, अस्वीकृत मतलब सुरक्षित रखता है, स के तहत राज्यपाल को निर्देश भी दे सकता है, कौन दे सकता है आपका,
राष्ट्रपति दे सकता है। अगर राज्य विधायिका भी राज्यपाल को निर्देश देता है ना कि विधेयक को राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा दे, तो यह ध्यान देने की बात है कि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है, तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। पुनः अगर भेज दिया राष्ट्रपति तो स्वीकृति हेतु बाध्य नहीं है भाई, वो उसका मनमर्जी टाइप का है। ठीक है, तो ठीक है, ये आपका क्या था, विधायी सकते हैं। और भी इसमें शामिल है जैसे कि वो 17वां संशोधन, जो 17वां संशोधन की अवधि में अध्यादेश जारी करना है ना, संसद के जो 17 उत्तर बैठती है, तो 17वां संशोधन की अवधि में, मान लो जैसे संसद में कोई अभी खाली है, मतलब संसद के 17वां संशोधन में कोई भी अभी सत्र नहीं चल रहा है अभी, है ना, सत्र नहीं चल रहा है, तो उन लोग क्या है अभी अभी इधर उधर भटक रहे होंगे कहीं कहीं, तो सत्र जब बैठता है ना तो अध्यादेश अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है संसद की, मतलब इसमें अध्यादेश में क्या होता है, पुनः बैठक के माध्यम से होता है, क्या होता है, पुनः बैठक के माध्यम से होता है। तो 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। पहला तो एक अभी एक व्यक्ति का बोल है सर, उसको मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है ना 17वां संशोधन की अवधि में, और संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद के किसके संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। संसद अगर आवेदन अनुमोदित नहीं करती है तो वहीं समाप्त हो जाएगा, और किसी भी जो अध्यादेश अगर दिया है, निकाला गया है ना, तो उसका अधिकार है कि राष्ट्रपति कभी, मतलब या जो भी सरकार आपका, कभी उसको वापस ले सकती है, कोई इसमें लिखित में नहीं है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो जान है, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग आपका, तो संसद के समक्ष रखता है रिपोर्ट, किसके समक्ष रखता है, संसद के समक्ष, सभी रिपोर्ट कहाँ रखते हैं, संसद के समक्ष रखते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, और याद रखिए उनमें भी मतलब क्या है, विनियमन बना सकता है ना, शांति व्यवस्था बना सकता है, ये सब इसमें शामिल है। वित्तीय शक्तियां में देखिए, वित्तीय शक्तियां में तो राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियां प्राप्त है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या हो सकते हैं, इसको याद रखिए आप लोग, संसद में पेश किए जा सकते हैं। धन विधेयक से संबंधित कोई मामला रहेगा है ना, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर वो तो संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में क्या नहीं किया जा सकता, एंटर नहीं मार सकते। और जो वित्तीय शक्तियों के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण को केंद्रीय बजट जिसको बोला जाता है, केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है, केंद्रीय बजट को क्या करता है, संसद के समक्ष रखता है, कौन करता है आपका, राष्ट्रपति करता है। जैसे कि अनुदान मांग करते हो आप, कोई भी संस्था समिति हो, अनुदान की मांग, या कोई विद्यालय को ओपन करते हो, तो अनुदान की मांग की सिफारिश तो अनुदान की मांग उसकी सिफारिश के बिना मतलब नहीं की जा सकती, सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती मांग, कोई भी मांग हो उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है, ये दिया गया। मेरा आईडियो में ध्यान दीजिए, आप वीडियो में तो लिख नहीं रहा हूँ मैं, अब बोल रहा हूँ मैं इसमें का, है ना, भारत की आकस्मिक निधि। अब आकस्मिक निधि क्या मतलब, भारत की आकस्मिक निधि से जो भुगतान की व्यवस्था कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भुगतान की व्यवस्था कर सकते हैं आकस्मिक निधि के तहत। एक वित्त आयोग को गठन करता है, ये आपके वित्तीय शक्तियां हैं, केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए 5 वर्ष में एक वित्त आयोग को गठन करता है, इसके इसका मतलब राज्य वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग, सॉरी राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व संबंधित बंटवारे के लिए 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। अब न्यायिक शक्तियां में देखते हैं, न्यायिक शक्तियां क्या है,
उच्चतम न्यायालय के वित्तीय जो शक्ति है उनके बाद चौथा में देखिए है ना, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है ना, तो ये सब क्या है, वह उच्चतम न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सभी का जो है राष्ट्रपति को अधिकार, किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को अधिकार है। अब उच्चतम न्यायालय जैसे किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, ऐसे नहीं है कि नहीं ले सकता है। कोई मतलब सलाह अगर चाहती है सरकार या के राष्ट्रपति है, तो उच्चतम न्यायालय की सलाह पर, न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। मतलब उसकी जो जो सलाह है राष्ट्रपति पर मानने का अधिकारी मतलब उत्तरदायी नहीं होगा, मानने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, चलिए अभी मैं वीडियो को यहीं तक रख रहा हूँ है ना, आगे जब इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेगा, अभी वित्तीय तक हुआ है, न्यायिक पढ़ेंगे अभी, इसका भी और कुछ पार्ट बचा है वित्तीय का, ये सब मैं बताऊंगा। एक बार मेहनत लगेगा लेकिन होगा जरूर। लेकिन चलिए वीडियो देखने लगा, सभी का धन्यवाद।